गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम आपका ये चीज़ें डिस्कस की थी कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं क्यूबेसिक के एक्सप्रेशंस, उनमें का ऑर्डर क्या होता है, उनकी प्रेसिडेंस ऑफ ऑर्डर क्या होता है, उनको किस वे में हम लोग डिफाइन करते हैं एंड कैसे उनका सिंटैक्स रहता है, ये चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की थी। ऑर्डर का मतलब स्टूडेंट्स, कौन सा वर्ग फंक्शन पहले आप को यूज़ करना है, कौन सा बाद में यूज़ करना है एंड कंप्यूटर उसको कैसे लेगा, कंप्यूटर पहले कौन से फंक्शंस को लेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके, इन चीज़ों के बारे में हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के आगे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ये जो प्रेसिडेंस इन रिलेशनल ऑपरेटर्स था उसकी डिस्कस कर लेते हैं। उसके प्रेसिडेंस में क्या है स्टूडेंट्स, उसके प्रेसिडेंस में आपको एक में इक्वल टू लगेगा, फर्स्ट जो है सबसे पहले आपको इक्वल टू आएगा, फिर आएगा आपका ग्रेटर देन, फिर आपका आएगा लेस देन, फिर आएगा नॉट इक्वल टू, उसके बाद आएगा आपका लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये थे आपका स्टूडेंट्स प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर्स का। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इनको याद रखना है अच्छे से। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तभी आप क्यू बेसिक में प्रोग्राम बना पाओगे एंड सॉल्व कर पाओगे। अब देख लेते हैं आगे जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, एक वो देख लेते हैं। यूज ऑफ पैरेंथेसिस चेंजेस द ऑर्डर ऑफ हायरार्की। द ऑपरेटर्स इनसाइड द पैरेंथेसिस आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। वी कैन से दैट क्यूबेसिक एक्सप्रेशंस फॉलो द रूल ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक छोटा सा वर्ड दिया हुआ है PEDMAS, PEDMAS। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये छोटा सा सिक्स आपके हैं, इनको हम लोग आके देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस, इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स आपके, फिर आपका है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका मल्टीप्लाई हो जाता है सेम वर्ड से, सेम डिजिट से आपका, लाइक 2^4 है तो उसका एक्सपोनेंशियल पावर 4 है 2 की, ये होता है आपका एक्सपोनेंशिएशन। फिर है आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, आपको ये रूल ध्यान रखना है। PEDMAS से आपके ही सारे इसमें यूज़ होने हैं, पहला है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशिएशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन नॉट यूज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डायरेक्टली इन प्रोग्रामिंग। जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, यू कैन नॉट यूज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डायरेक्टली इन प्रोग्रामिंग, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू क्यू बेसिक एक्सप्रेशंस फर्स्ट। लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो कह रहा है स्टूडेंट्स, आप अपनी मैथ्स की कॉपी में जैसे वर्क करते थे वैसे यहाँ पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, नीचे आपको दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड बेसिक एक्सप्रेशन, इसमें मल्टीप्लाई का साइन आपका चेंज है, ठीक है, जस्ट आपका मल्टीप्लाई का साइन चेंज है। आप जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस में यूज़ करते थे, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन यूज़ होगा जो स्टार बन के आता है। और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपने जैसे टू ब्रैकेट में A+B लिखा हुआ है तो कंप्यूटर उसको अपने आप नहीं समझेगा, हम समझ जाते कि हाँ वहाँ पे टू का अंदर मल्टीप्लाई होना है, बट कंप्यूटर का क्या करना है, कंप्यूटर वहाँ पे एस्ट्रिक का साइन जब तक उसको नहीं दोगे आप, तब तक वो आपका एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करेगा।
सो स्टूडेंट्स ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवीज़न हो रहा हो वहाँ पे क्लियर आपको दिखाना है कि वहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स हम लोग आज के लिए इतना रखेंगे, कल से डिफरेंट क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।